नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब ना माध्यम द्वारा सर्वोपरि स्कूल वती हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करू छु। धोरण 9 विषय हिंदी अंतर्गत आज आपणे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य विषय भणीशुं। भाषा में लेखन व्यवस्थित थवू जोईए, पदक्रम जळवावो जोईए, अल्प विराम पूर्ण विराम नो योग्य उपयोग थवो जोईए। आज आपणे वाक्य रचना विषय भणशुं। मित्रों, तमारी नोटबुक साथे राखजो, आ बधी नोंध तमारे तमारी पाकी नोट में करवानी छे। तमे जे पाठ्यपुस्तक ना प्रश्न जवाब नी तो नोट बनावता जशो, पण आ एक नोट अलग बनावजो व्याकरण बुक तरीके, कारण के हवे पछी हुं व्याकरण छे ने ई बधुं आपणे व्याकरण बुक में लखशुं। तो लक्ष्यो मित्रों, लेखन में भाषा सुधी का बड़ा महत्व है। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। अमुक नियम छे के जेनाथी भाषा छे ई व्यवस्थित बने। हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। खास लखवा टाणे आटलू ध्यान राखवू जोईए। एना माटे आपणे थोड़ाक नियमो छे, ए नियमोनी नोंधी करजो, अने तमारना साथे साथे हुं उदाहरण पण आपी शके, तमने एकदम समझाई जाए। पदक्रम संबंधी नियम लक्षो। पहेलो वाक्य में शुं छे पदक्रम संबंधी नियम? एटले वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। एनो क्रम जळवावो जोईए। आडावडा क्रम में लखी तो ए बराबर थाय नहीं। नियम पहेलो छे, वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। शू छे पहेलो नियम? तो वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते है। जो उदाहरण छे मित्रों, जो जो जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। जितेंद्र शू छे? कर्ता। क्रिकेट शू छे? कर्म। अने खेलता है क्रिया, बराबर ने? आ क्रम जळवावो जोईए। नियम बीजो छे, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। शू कहे छे बीजो नियम? नोंध साथे साथे करता रहेजो, मारे बीजा पण नियम लखावाना छे। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। क्यों पद कहे छे? प्रश्नवाचक पद। उदाहरण छे, अपराधी का पता चला प्रश्नार्थ। अपराधी का पता चला प्रश्नार्थ। बीजो उदाहरण छे, क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। सरस, एटलू तमे लखी लीधु हशे। हवे आगळ लखजो, नियम 3, બીજો નિયમ છે લખજો, ક્રિયા વિશેષણ સદૈવ ક્રિયા કે પૂર્વ આતે હૈ। શું કહે છે? क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। हूँ उदाहरण आपू छू, एटले तमने बराबर समझाई जाते। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। मोहन धीरे धीरे બીજું છે ઉદાહરણ, શ્યામ તેજી સે દોડ રહા હે। શ્યામ તેજી સે દોડ રહા હે। શું કહે છે નિયમ? ક્રિયા વિશેષણ છે દો ક્રિયા કે પૂર્વ આતે હે, બરાબર? બે ઉદાહરણ તમે લખ્યા, મોહન ધીરે ધીરે ચલ રહા હે, શ્યામ તેજી સે દોડ રહા થા। હવે નિયમ છે ચોથો,
वाक्य के विभिन्न पदों को वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। हवे हूँ तमने एक अशुद्ध वाक्य आपू छू, एटले अशुद्ध वाक्य छे एमांथी शुद्ध केम थाय ई जोई लीए। जो मित्रो अशुद्ध वाक्य आपू छू पेला शुद्ध वाक्य छे, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। हवे शुद्ध वाक्य सामे लखी दऊं छूं तमने। જો હવે તમને એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગયું હશે કે અશુદ્ધ વાક્ય હતું એને આપણે શુદ્ધ બનાવ્યું। હવે નિયમ 5 છે, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण जोशु आपणे।
નિયમ સાત છે મિત્રો. આગ્રહ કે લીએ ન અવ્યય કા ઉદાહરણ તરીકે આગ્રહ કે લીએ ન અવ્યય કા પ્રયોગ વાક્ય કે અંત મે હોતા હે. ઉદાહરણ લખજો એક, ચલોગે ના, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નિયમો તમે તમારી નોટબુકમાં લખજો અને હવે પછીના પીરિયડમાં આપણે બીજા નિયમ ભણશું. અસ્તુ.